पालक की भाजी मेरे इस तरीके से बना कर देखिए, आपके घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी मेरी तरह बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक की भाजी। पालक की भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक गड्डी पालक की भाजी, इसे मैंने धोकर कट करके लिया है, एक टमाटर बारीक कट किया हुआ, एक प्याज लंबी कट की हुई। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को हम अच्छा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक गड्ढा लहसुन का कुटा हुआ डालेंगे, कट की हुई प्याज डालेंगे, प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है, अब हम इसमें 2 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे हम 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्च अच्छी तरह से भून चुकी है, अब हम इसमें कटकी हुई पालक डालेंगे। टमाटर डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने भाजी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें 2 चम्मच पिसी हुई मूंगफली डालेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसका पानी सूखने तक इसे पका लेंगे। देखिए भाजी का पानी सूख चुका है, अब हम इसे चम्मच से एक बार ऊपर नीचे करेंगे। देखिए हमारे पालक की भाजी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।